हो गया। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग एलर्जी उत्पन्न कर एलर्जी सॉरी उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, एलर्जी को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एलर्जी टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। आप एक हेडिंग डाल दीजिए एलर्जी। ठीक है, और एलर्जी में क्या क्या, किन कारणों से एलर्जी होता है, एलर्जी के लिए क्या क्या जरूरी है, कौन से केमिकल के स्रावित होने से एलर्जी उत्पन्न होगा, उन सभी के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। किस किस फूड के कारण भी एलर्जी होता है, वो सारा चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उन सभी के बारे में पढ़ा जाएगा। चलिए देखिएगा, जरा समझेंगे। सबसे पहली बात, एलर्जी जो है ये हमारे शरीर, हमारे इम्यून सिस्टम का एक्स एग्रेटेड यानी अभिरंजित स्वभाव है। एक्स एग्रेटेड इम्यून, एक्स एग्रेटेड रिस्पॉन्सेस ऑफ इम्यून सिस्टम, द एक्स एग्रेटेड रिस्पॉन्सेस ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन या सर्टेन पैथोजेन प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट, यानी वातावरण में पाए जाने वाले कुछ रोग कारकों के प्रति हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के अभिरंजित स्वभाव को इम्यूनिटी कहते हैं, सॉरी एलर्जी कहते हैं। एलर्जी किसको कहा जाएगा? तो वातावरण में मौजूद कुछ रोग कारकों के प्रति हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के अभिरंजित स्वभाव को हम एलर्जी कहेंगे। यानी एलर्जी का मतलब होता है वातावरण में बहुत ऐसे पैथोजन हैं, रोग कारक हैं, जैसे कि मान लीजिए डस्ट जो है, डस्ट धूल कण, अगर ये आपके शरीर में चला जाए, कभी कभी आप कहीं घूमने जाते हैं अचानक से पहुंच जाते हैं तो आपको एलर्जी उत्पन्न होने लगता है। एलर्जी का मतलब क्या हुआ सर? आंखें पनीली हो जाएगी, वाटरी आई, रनिंग नोज, आंख नाक जो है बहने लगेगा, फोटा निकलेगा, नाक बहने लगेगा, सर्दी हो जाएगा तुरंत। उसके बाद क्या होगा आपका? रेड रेसेस ऑन स्किन, त्वचे पर लाल चकते होने लगते हैं, अचानक से लाल चकता जो है त्वचा पर हो जाएगा। और उसके बाद आपके स्वभाव में माथा में दर्द, चक्कर जैसा, नौसिया, जी मिचलाना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। ये अचानक से आपको ये जो परिवर्तन आपके बॉडी में आता है, आप जब उस जगह से वापस अपने घर पे आ जाते हैं, सारा बीमारी उधर ही खत्म हो जाता है। तो इसी को एलर्जी कहते हैं। जो किसी वस्तु से एलर्जी हो सकता है, किसी फूड से हो सकता है, किसी जगह से आपको हो सकता है, आप किसी जगह पे जाएं तो वहां आपको एलर्जी हो सकता है, किसी फल के खाने से, किसी सब्जियों के खाने से आपको एलर्जी हो सकता है। जैसे मछलियों के खाने से बहुत लोग मछली खाते हैं, खुजली होना शुरू हो जाता है। बहुत लोग बैगन खाते हैं, खुजली होना शुरू हो जाता है। बैगन खाना छोड़ देते हैं, खुजली होना बंद हो जाता है। जब भी खाएंगे फिर खुजली हो जाएगा, जब मछली खाएंगे तब खुजली हो जाएगा, इसका मतलब उनमें एलर्जी हो गया रहता है। और ये एलर्जी किस कारण से उत्पन्न होता है? तो बाबू, हमारे शरीर में मास्ट कोशिका होता है, मास्ट सेल होता है। मास्ट सेल के द्वारा दो केमिकल्स का स्राव होता है जिसका नाम है हिस्टामिन और सेरोटोनिन। एलर्जी जो है हमारे मास्ट सेल में पाए जाने वाले दो केमिकल्स, सेरोटोनिन के द्वारा और हिस्टामिन नामक केमिकल्स के द्वारा, मतलब स्रावित होने से एलर्जी उत्पन्न होता है। एलर्जी जिसके कारण उत्पन्न होता है उसको एलर्जेन कहते हैं। जैसे डस्ट धूल कण, पोलेन पराग कण, नहीं सुने? पराग कण को सूंघने से, जैसे पराग कण को आप सूंघिएगा उसके कारण आपको एलर्जी हो जाएगा, चिरकालिक स्वभाव का होता है, यानी आपको ये अस्थमा जैसा बीमारी उत्पन्न कर सकता है, एलर्जी के कारण अस्थमा होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ये एनिमल का डेंडर, एनिमल के डेंडर का मतलब होता है पशुओं के बाल का रूसी, पशु का बाल का रूसी अगर आप सांस के द्वारा ले लीजिए उसके कारण आपको एलर्जी हो जाएगा। तो इस तरह से एलर्जी के कारक को हम लोग एलर्जेन कहते हैं, यानी जो एलर्जी को उत्पन्न करता है तो उसको क्या कहा जाएगा? एलर्जेन कहा जाता है, एलर्जी के कारक एलर्जेन। ठीक है, अब एक हेडिंग डाल दीजिए आप, हेडिंग डाले एलर्जी डालिए, तो लिखिए एलर्जी, हेडिंग डालिए ALERGY, एलर्जी। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग छोटा करते हैं, अब इसमें लक्षण को बाद में देखा जाएगा, क्या क्या यहाँ लक्षण होता है, पहले आप लोगों को लिखना है एलर्जी। ठीक है, अभी एलर्जी क्या है तो इसको हम लोग समझेंगे। एलर्जी,
अब लिखना है द एक्स एग्रेटेड, द एक्स एग्रेटेड रिस्पॉन्सेस ऑफ ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन पैथोजन या एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। क्या बोले हैं, एलर्जी क्या है, एलर्जी किसको कहते हैं, द एक्स एग्रेटेड अभिरंजित। अभिरंजित का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, अभिरंजित द एक्स एग्रेटेड रिस्पॉन्सेस ऑफ इम्यून सिस्टम, द एक्स एग्रेटेड रिस्पॉन्सेस ऑफ इम्यून सिस्टम। लिख लिए द एक्स एग्रेटेड रिस्पॉन्सेस ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन पैथोजन या एंटीजन। एंटीजन मतलब होता है प्रतिजन, प्रतिजन हम लोग पैथोजन को ही कहते हैं, रोग कारक को ही कहते हैं, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट यानी वातावरण में पाए जाने वाले, वातावरण में पाए जाने वाले प्रतिजन, वातावरण में पाए जाने वाले प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षा तंत्र के अतिरंजित, अभिरंजित लिखा गया है सॉरी, अतिरंजित, अतिरंजित स्वभाव को या अनुक्रिया को हम क्या बोलते हैं, या प्रतिक्रिया को, रिस्पॉन्स को हम एलर्जी कहते हैं। हिंदी लिखिए इसका, एलर्जी क्या है, तो हिंदी लिखेंगे, लिखिए वातावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र के क्या लिखे हैं, वातावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र के अनुक्रिया को, प्रतिरक्षा तंत्र के एक्स एग्रेटेड मतलब कुछ ज्यादा ही, अचानक से कुछ ज्यादा ही सौ आप में सिम्टम्स नजर आने लगेगा, ठीक है। तो अतिरंजित प्रतिरक्षा के अतिरंजित, प्रतिरक्षा तंत्र के अतिरंजित अनुक्रिया को एलर्जी कहा जाता है, अनुक्रिया को एलर्जी कहा जाता है। तो एलर्जी क्या है, द एक्सैग्रेटेड रिस्पॉन्सेस ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन पैथोजन या एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ वातावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र के अतिरंजित अनुक्रिया को एलर्जी कहा जाता है। ऐसे समझ में, अतिरंजित अनुक्रिया को एलर्जी कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग एलर्जी का कारक कौन कौन सा है, यानी किसके किसके द्वारा एलर्जी उत्पन्न होता है। तो एलर्जी के कारक जो होते हैं, यानी कि हमें लिखना है एलर्जी के कारक को एलर्जेन कहते हैं, एलर्जेन क्या कहेंगे, एलर्जेन। तो एलर्जेन किसको कहते हैं, एलर्जेन बोलते हैं जो एलर्जी के कारक होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो एलर्जी को उत्पन्न करेंगे, द सब्सटेंसेस टू विच एलर्जी आर प्रोड्यूस्ड उत्पन्न होता है, ठीक है, या एलर्जी आर एराइज्ड, या लिखेंगे द सब्सटेंसेस एलर्जेंस किसको कहेंगे,
So the substances which causes एलर्जी, ये आसान हो जाएगा। द सबस्टांसेस विच कॉजेज एलर्जी, यानी कि वैसा पदार्थ जो एलर्जी को उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है, कॉल्ड एलर्जन। ठीक है, एलर्जी क्या है? तो सर हमारे वातावरण में मौजूद प्रतिजनों के प्रति यानी रोग कारकों के प्रति हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के अतिरंजित अनुक्रिया को एलर्जी कहा जाता है। याद हो जाएगा एलर्जी, एलर्जी किसके कारण होता है? तो सर एलर्जी चीज के कारण होगा, उसको हम लोग एलर्जेन कहते हैं। एलर्जेन यानी हो गया वैसा पदार्थ जो एलर्जी को उत्पन्न करता है उसे एलर्जेन कहते हैं। एलर्जी समझ में आया क्या है, एलर्जी क्या है? कोई पूछेगा एलर्जी क्या है, तो वातावरण में मौजूद कुछ रोग कारकों के प्रति हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के अतिरंजित अनुक्रिया को एलर्जी कहा जाता है। बस समझ में, अरे आपके शरीर के अंदर जब कोई रोग कारक, बाहरी रोग कारक, इन्वायरमेंट का कोई भी रोग कारक प्रवेश करेगा, एंटीजन प्रवेश करेगा, तो आपका इम्यून सिस्टम तो बैठा नहीं रहेगा, वो अपना कुछ प्रतिक्रिया दिखाई देगा, अनुक्रिया रिस्पॉन्स दिखाई देगा, अब उसी रिस्पॉन्स को हम लोग एलर्जी कहते हैं। लेकिन ये रिस्पॉन्स कुछ ज्यादा ही दिखा देता है, उतना भी नहीं दिखाना चाहिए, अब वो दिखाने लगता है, उसको इसीलिए बोल रहे हैं अतिरंजित, एक्स एग्रेटेड रिस्पॉन्स दिखाता है, इसीलिए इसमें वर्ड लग गया है एक्स एग्रेटेड, यानी कि अतिरंजित कुछ ज्यादा ही। ठीक है, अच्छा उसके बाद हिंदी इसका लिखेंगे, वैसे पदार्थ जो एलर्जी को उत्पन्न करते हैं, वैसे पदार्थ जो एलर्जी को उत्पन्न करते हैं उन्हें वैसा पदार्थ जो एलर्जी को उत्पन्न करते हैं उन्हें उन्हें एलर्जन कहा जाता है। वैसा पदार्थ जो एलर्जी को उत्पन्न करते हैं उन्हें एलर्जन कहा जाता है। जैसे डस्ट, डस्ट मतलब धूल कण, पोलन मतलब पराग कण, डस्ट पोलन, और क्या हो जाएगा, नहीं उसके बाद हो जाएगा एनिमल डेंडर का मतलब होता है, पशुओं के बाल, पशुओं के बाल का रूसी। ठीक है, पशुओं के बाल का रूसी, एनिमल डेंडर का मतलब होता है पशुओं के बाल का रूसी। ये सब एलर्जन है, एलर्जन कौन कौन होता है, डस्ट पोलन एनिमल डेंडर, ये सब क्या हो जाएगा, एलर्जन हो जाएगा। अरे आया समझ में, कोई डाउट इसमें किसी को? एलर्जी को उत्पन्न करने वाले कारक एलर्जन कहलाते हैं, बस बात खत्म। यानी कि वैसे पदार्थ जिसके द्वारा एलर्जी उत्पन्न होता है उसको एलर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे बाबू यहाँ पे आप देख सकते हैं एलर्जी का कुछ सिम्टम्स है जो आपके सामने दिखाया जा रहा है, एलर्जी का कुछ सिम्टम्स देखिए क्या क्या होगा। जैसे आपका रेड आईज, आंख का लाल होना, रेड आईज आंख का लाल होना, वाटरी आई पनीली आंखें होना, वाटरी आई मतलब पनीली आंखें होना, ये स्नीजिंग छींकाना, स्नीजिंग छींकाना, रेसेस यानी रेड रेसेस पड़ जाएंगे आपके, रेड रेसेस मतलब चकता पड़ जाना, चकता हो जाना रेसेस, जैसा कि आप फिगर में यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बगल में भी आप जैसा देख पा रहे हैं ये रेसेस पड़ा हुआ है, तो रेसेस पड़ जाना यानी छाले पड़ जाएगा, ये सब नहीं देख रहे हैं यहाँ, रेसेस पड़ जाएगा, यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब रेसेस पड़ जाएगा, देख रहे हैं कैसे रेसेस पड़ा हुआ है। ठीक है, ये किस प्रकार से है, देख रहे हैं रेसेस पड़ा हुआ है, यहाँ देखिए ये किस प्रकार से रेसेस पड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए ये सब
छोटे छोटे लाल धब्बा पड़ जाएगा, धब्बा, ये सब जो है इसी का कारण है। ये चकता देखिए, चकता का हो जाना, ये सब दिख रहा है, ये सब चकता छोटा छोटा दिख रहा होगा इसमें, तो यही सब है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग वही हम समझ रहे थे क्या क्या, जैसे सबसे पहले सर एलर्जी का सिम्टम्स होता है, यानी एलर्जी में क्या क्या हो जाएगा, एलर्जी में हाँ देखिए, रेड आइज, आँख का लाल होना, रटना नहीं है, सब याद कर देना है, यहीं पे सब याद कर जाना है। हम क्या बोले हैं, आँख का लाल हो जाना, यानी आँख लाल हो जाता है इसमें। उसके बाद स्नीजिंग, छींक आना, रेसेस, लाल चकते पड़ जाना, चकता पड़ना, रनिंग नोज, नाक बहना, टियरिंग, आंसू आना, उसी को बोलते हैं हम लोग वाटरी आई, पनीली आंखें, और इचिंग, जगह जगह पे खुजली होना, इचिंग उसको कहते हैं, खुजली होना। बात समझ में आया? अच्छा, ये सब अलग अलग चीजों से हो सकता है, धूप के कारण हो सकता है, मछलियों से हो सकता है, या फिर पोलन ग्रेन से पराग कण से हो सकता है, या किसी किसी फ्रूट्स के खाने से हो सकता है, बादाम ये सब के खाने से हो सकता है कुछ लोगों को। ठीक है, तो अलग अलग देखिए, सबका बॉडी अलग अलग प्रकार का है, तो सबका बॉडी अलग अलग है, तो कुछ चीजें बॉडी नहीं मांगता है, कुछ मांगता है, तो जो नहीं मांगता अगर आप खाते हैं तो उसके कारण आपको एलर्जी होना ही है। ठीक है, स्वाभाविक है कि एलर्जी हो जाता है। तो अब इसमें हम लोग एलर्जन के बारे में भी देखे हैं, एलर्जन क्या होता है, आगे बढ़े इससे। चलिए अब आते हैं बाबू, इसका सिम्टम्स लिखेंगे। सिम्टम्स, सिम्टम्स मतलब क्या होता है, सॉरी लक्षण, लक्षण, सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, एलर्जी का। चलिए अब सिम्टम्स तो याद हो गया होगा, क्या सर, रेड आईज, रेड आईज, आंखों का लाल होना, दूसरा नंबर में स्नीजिंग, स्नीजिंग, जेड है ये, स्नीजिंग, स्नीजिंग मतलब क्या होता है, छींकना, छींकना। अच्छा, आंखों का लाल होना, आंखों या लाल आंखें भी लिख सकते थे, आंखों का लाल होना, बात समझ में आया, आंखों का लाल होना, छींकना। और तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा, ये रेसेस, रेसेस, रेसेस मतलब चकता, रेसेस ऑन स्किन कर लीजिए ना, रेसेस ऑन स्किन, यानी त्वचा पर चकता होना, त्वचा पर चकता होना। और क्या हो जाएगा सर, वाटरी आई, वाटरी आई मतलब पनीली आंखें, पनीली आंखें, पनीली आंखें, यानी वाटरी आई। उसके बाद क्या हो जाएगा, चल उसके बाद हो जाएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, सांस लेने में श्वास, या सांस लिख लीजिए, सही, सांस लेने में कठिनाई, कठिनाई होना, सांस लेने में, सांस लेने में कठिनाई होना। ठीक है, और क्या होगा, इचिंग, खुजली होना, रनिंग नोज, रनिंग नोज, नाक बहना, बस इतना काफी है। ये सब लक्षण जो है आपको एलर्जी के दौरान होता है। ठीक है, एलर्जी के दौरान ये सभी लक्षण उत्पन्न होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन से लक्षण एलर्जी के दौरान उत्पन्न होगा, लिख लिए,
अच्छा एलर्जी अब किसके कारण होता है? एलर्जी इज कॉज ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ टू केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल। यानी एलर्जी जो उत्पन्न होता है ये मास्ट कोशिका के द्वारा स्रावित होने वाले दो रसायनों के द्वारा, दो केमिकल के द्वारा, दो रसायन के द्वारा, जैसे हिस्टामिन और सेरोटोनिन। लिख लिए हिस्टामिन और सेरोटोनिन। आगे बढ़ा जाए, हटा दें। हिस्टामिन और सेरोटोनिन। चलिए हो गया, आगे बढ़े। रेड आइज, आंखों का लाल होना, स्नीजिंग, छींकना, रेसेस ऑन स्किन, त्वचा पर चकता होना, वाटरी आई, पनीली आंखें होना, ठीक है, वाटरी आई यानी पनीली आंखें होना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई होना, इचिंग यानी खुजली, और रनिंग नोज यानी कि नाक बहना। हो जाएगा, लिख लिए सब लोग? चलिए अब लिखेंगे, लिखिए। एलर्जी इज कॉज ड्यू टू, एलर्जी कैसे उत्पन्न होता है, एलर्जी कैसे उत्पन्न होगा जी? तो एलर्जी इज कॉज ड्यू टू बोलिए क्या होगा इसके आगे? सिक्रीशन ऑफ टू केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड, केमिकल का नाम क्या है? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। अरे केमिकल का नाम क्या है जी? हिस्टामिन और सेरोटोनिन। यानी एलर्जी इज कॉज ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ टू केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल। कहाँ से? तो मास्ट कोशिका से। हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू में, हमारे बॉडी के हर एक अलग अलग ऑर्गन में लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल होता है, और उस मास्ट सेल के द्वारा दो तरह के रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है, एक हिस्टामिन और दूसरा सेरोटोनिन, और उसी के कारण एलर्जी उत्पन्न होता है। बात समझ में आया क्या? एलर्जी किन कारणों से उत्पन्न होगा तो लिख लीजिए अब, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा एलर्जी दो रासायनिक पदार्थों जैसे हिस्टामिन, सॉरी अभी आप लोग हिंदी मत लिखिएगा, हम बोल रहे हैं पहले समझा दें, यानी कि एलर्जी जो है मास्ट कोशिका के द्वारा उत्पन्न होने वाले दो रासायनिक पदार्थ जैसे हिस्टामिन और सेरोटोनिन के स्राव के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए अब हिंदी देख लेंगे। देखिए एलर्जी मास्ट कोशिकाओं एलर्जी मास्ट मा आधा सौ ट एलर्जी मास्ट कोशिकाओं एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से दो रसायन जैसे एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से दो रसायन जैसे हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन के स्रावित होने के कारण उत्पन्न होता है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से दो रसायन जैसे हिस्टामिन और सेरोटोनिन, हिंदी में वही लिखना है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन
के स्रावित होने के कारण उत्पन्न होता है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से दो रसायन जैसे हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन के उत्पन्न होने के कारण, सेरोटोनिन के स्रावित होने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, स्रावित होने के कारण होता है या उत्पन्न होता है, स्रावित होने के कारण होता है। हो गया, एलर्जी किस कारण से होगा, लिख लिए, लिख लिए। चलिए, अच्छा अगर आप चाहते हैं कि क्विकली अगर इसके प्रभाव को यानी कि एलर्जी को खत्म किया जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या ड्रग्स लेते हैं, यानी कि कौन कौन से ड्रग्स हम लोग लेंगे, तो उसके लिए द यूज ऑफ ड्रग्स लिख लेंगे, द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक जो दवा हम लोग लेते हैं जो इस किसके विरोध में, एलर्जी के विरोध में। तो एलर्जी किसके कारण होता है, हिस्टामिन के कारण। तो हम लोग जो इसमें दवा देते हैं वो देते हैं एंटी हिस्टामिन। तो लिख लेंगे द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामिन कॉमा एड्रीनालिन एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामिन एड्रीनालिन एंड स्टेरॉइड्स। हो गया, क्विकली रिड्यूस द, उसके बाद क्या कर लेंगे, क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ, क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ इम्यून सिस्टम, सॉरी क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ क्या, एलर्जी। क्या बोला गया, द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामिन कॉमा एड्रीनालिन एंड एस्टीरोइड्स क्विकली रिड्यूस द, यानी क्विकली मतलब होता है तेजी से, क्विकली रिड्यूस मतलब कम कर देते हैं, घटा देते हैं, क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, एलर्जी के सिम्टम्स को, लक्षण को तुरंत हटा देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, कौन से दवा दी जाती है इसके लिए, एंटी हिस्टामिन एड्रीनालिन एंड एस्टीरोइड्स। ठीक है, एस्टेरॉइड्स लिख लेंगे, इसका हिंदी बोलें, देखिए एलर्जी के लक्षण को तुरंत कम करने के लिए, एलर्जी के लक्षण को तुरंत कम करने के लिए, एलर्जी के लक्षण को तुरंत कम करने के लिए, एलर्जी के लक्षण को तुरंत कम करने के लिए, कम करने के लिए कुछ औषधि जैसे, एलर्जी के लक्षण को तुरंत कम करने के लिए कुछ औषधि जैसे एंटी हिस्टामिन, कुछ औषधि जैसे एंटी हिस्टामिन कॉमा कुछ औषधि जैसे एंटी हिस्टामिन कॉमा एड्रीनेलिन और एस्टेरॉइड्स को लिया जाता है, और एस्टेरॉइड्स को लिया जाता है। हो गया, चलिए बस एलर्जी आपका खत्म हो गया। एलर्जी इतना ही आप लोगों को पढ़ना है एनसीईआरटी में। ठीक है, इसके कारण जैसे कौन कौन से डिजीज होते हैं, तब अब ऊपर में आपको लिखवाया गया है कौन कौन से बीमारी, मतलब दिखा रहे थे हम अभी कौन कौन से बीमारी जो होते हैं, लिख लेंगे इसमें। जैसे देखिए ये सब एलर्जी के कारण होता है, आप लोग यहाँ ये बात देखिए, एलर्जिक अस्थमा डिजीज जो इसके लिए होता है, जो डिजीज होता है इसमें अस्थमा होता है। दूसरा क्या है, एक्जिमा, याद रखिएगा बाबू, अस्थमा होता है, एक्जिमा होता है, किसके कारण, एलर्जी के कारण। तो क्वेश्चन में पूछा गया है एक्जिमा किसके कारण होता है, एलर्जी के कारण, ये बात याद रखिएगा, हो जाएगा। और ये अस्थमा, दो को डिजीज लिख लीजिएगा, हाँ। और एक पॉइंट आप लोग का बच गया,
ठीक है, दो दो डिजीज इसमें लिख लीजिए, अस्थमा और एक्जिमा जो होता है, एक्जाइमा जो डिजीज है ये इसी में होता है आपका, एलर्जी के कारण होता है, इसको उतार लेंगे। अच्छा एक और है जी, एक और कई क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपके बोर्ड में, है फीवर, ये पराग कण के द्वारा होता है, भी एलर्जी के द्वारा होता है, पोलन ग्रेन को अगर सूंघिएगा तो उसके कारण हो जाएगा डिजीज ड्यू टू एलर्जी। ऊपर में हेडिंग एक छोटा सा डाल दीजिए ना, डिजीज ड्यू टू एलर्जी। डिजीज ड्यू टू एलर्जी, यानी एलर्जी के कारण रोग, एलर्जी के कारण होने वाले रोग। तो एलर्जी कारण कौन कौन सा रोग होगा, अस्थमा इसको दमा कहते हैं, एक्जिमा और है फीवर, है फीवर को है फीवर ही कहेंगे, अस्थमा को अस्थमा या दमा कहेंगे, एक्जिमा को एक्जिमा कहेंगे। ठीक है लिख लेंगे उसको। चलिए अब एक पॉइंट आप लोग को इसमें लिखना है, पॉइंट एक छूट रहा था क्या, ये एलर्जी में कौन कौन से एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो ऊपर वाला ये पॉइंट उतार लिए, एलर्जी के कारण होने वाले रोग लिख लिए हो तो एक लास्ट एक एरो देकर लिख लेंगे, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एलर्जी। कौन सा एंटीबॉडी होता है, आईजीई याद रखेंगे, यानी कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एलर्जी, इसका मतलब हो गया एलर्जी के दौरान एलर्जी के दौरान उत्पन्न होने वाले एंटीबॉडी का नाम क्या है सर, आईजीई, क्या पढ़ेंगे आईजीई, लिख लीजिए, एलर्जी के दौरान उत्पन्न होने वाले एंटीबॉडी आईजीई हो जाएगा। एलर्जी के दौरान उत्पन्न होने वाले एंटीबॉडी का नाम क्या है, आईजीई है, आईजीई जो एलर्जी के दौरान उत्पन्न होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके आगे बढ़ेंगे, अब ऑटो इम्यून डिजीज पढ़ना है हम लोगों को, इसको उतार लीजिए, एलर्जी के दौरान उत्पन्न होने वाले एंटीबॉडी। अब देखिए ऑटो इम्यून डिजीज, अब नया हम लोग का जो टॉपिक है यह है स्व प्रतिरक्षा रोग, और स्व प्रतिरक्षा रोग क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन मेमोरी, यह स्मृति पर आधारित रोग है। ऑटो इम्यून डिजीज जो है स्मृति पर आधारित होता है, ठीक है। अब सुनिएगा जरा एक बात इसमें, सबसे पहले कि ऑटो इम्यून डिजीज होता क्या है, बहुत घातक बीमारी है ये, किसी अननोन कारणों से या किसी जेनेटिक रीजन से, बाई जेनेटिक रीजन और एनी अननोन रीजन, किसी भी अनजान कारणों से अचानक क्या होता है, कभी कभार ओकेजनली या कभी कभी इन सम टाइम बाई जेनेटिकली और एनी अननोन रीजन, आवर बॉडी अटैक्स ऑन आवर सेल्फ सेल, यानी हमारा शरीर हमारे खुद के कोशिकाओं पर अटैक कर देता है, ड्यू टू विच, जिसके कारण बॉडी बिकम्स बॉडी डैमेज्ड, बॉडी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभार या कभी कभी किसी अनजान कारणों से अथवा अनुवांशिक कारणों से हमारा शरीर हमारे खुद के कोशिकाओं पर आक्रमण कर देते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर का क्षय होता है, हमारा शरीर का क्षति होता है,
और इस रोग को हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, यानी स्व प्रतिरक्षा रोग। स्व प्रतिरक्षा रोग का नाम होता है रिमेटोइड अर्थराइटिस, ठीक है, रिमेटोइड अर्थराइटिस। पहले चलिए आप एक हेडिंग डालिए, ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, एक हेडिंग डालेंगे ऑटो इम्यून डिजीज। अब हेडिंग डालेंगे ऑटो इम्यून डिजीज, यानी स्व प्रतिरक्षी रोग, ऑटो इम्यून डिजीज, स्व प्रतिरक्षी रोग, हेडिंग डाल दीजिए स्व प्रतिरक्षी रोग। अच्छा, ये ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है जब किसी अननोन कारणों से, अभी हम समझाएं आपको, जब किसी अननोन कारणों से, अनजान कारणों से, या फिर किसी जेनेटिक रीजन के द्वारा, यानी किसी अनुवांशिक कारणों से या अनजान कारणों से, अचानक से जब हमारा शरीर हमारे खुद के कोशिकाओं पर अटैक कर दे, तो इस रोग को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसके कारण हमारे बॉडी क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल दिए ऑटो इम्यून डिजीज। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके लिखते चला जाए। अब लैंग्वेज लिखेंगे इसमें, इस फिगर को बाद में हम लोग समझेंगे, तो कभी रहने दिया जाए, और आप इसके बारे में लिखिए। देखिए, इन सम टाइम, कुछ समय में या कभी कभी, ठीक है, इन सम टाइम जेनेटिकली या बाई अननोन रीजन जेनेटिकली या बाई अननोन रीजन आवर बॉडी अटैक्स ऑन सेल्फ सेल आवर बॉडी अटैक्स ऑन सेल्फ सेल, ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, सेल्फ सेल एज अ रिजल्टेंट या एज अ रिजल्ट बॉडी डैमेज, यानी इसके परिणाम स्वरूप शरीर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सॉरी एज अ रिजल्ट देख सकते हैं, एज अ रिजल्ट बॉडी बिकम्स डैमेज, करिए शरीर नष्ट हो जाता है, बॉडी बिकम्स डैमेज, ठीक है। इन सम टाइम, यानी कभी कभी या कुछ समय में, जेनेटिकली या बाय अननोन रीजन, ठीक है, जेनेटिकली और बाय अननोन रीजन का देखिए गड़बड़ हो गया, थोड़ा इसको सुधारिए, तो रीजन आवर बॉडी अटैक्स ऑन सेल्फ सेल, हमारे खुद के कोशिकाओं पर क्या होते हैं, अटैक कर देते हैं, रीजन कारण होता है, ये रीजन हो गया था क्षेत्र, वो रीजन मतलब क्षेत्र होता है, REGION, तो रीजन इसको सुधार लेंगे, REGION होता है रीजन। इन सम रीजन जेनेटिकली, यानी कि क्या बोले हम, इन सम टाइम कभी कभी जेनेटिकली या बाय अननोन रीजन, मतलब अनुवांशिक रूप से या किसी अनजान कारणों से, अननोन रीजन मतलब हो गया अनजान कारणों से, आवर बॉडी अटैक्स ऑन सेल्फ सेल, हमारा शरीर खुद के कोशिकाओं पर अटैक कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट, यानी इसके परिणाम स्वरूप बॉडी बिकम्स डैमेज, शरीर नष्ट हो जाती है, इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, कॉल्ड ऑटो इम्यून इम्यून
डिजीज इसको कोल्ड, ठीक है, लिखिए कोल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। चलिए हिंदी लिखेंगे इसका, लिखिए कभी कभी, देखेंगे कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी अनुवांशिक रूप से, जेनेटिकली मतलब होता है अनुवांशिक रूप से, कभी कभी अनुवांशिक अथवा ऐसे लिखे, कभी कभी अनुवांशिक अथवा किसी अनजान कारणों से, कभी कभी अनुवांशिक अथवा किसी अनजान कारणों से, कभी कभी किसी अनु क्या लिखें, कभी कभी अनुवांशिक या किसी अनजान कारणों से हमारा शरीर खुद की कोशिकाओं पर, हमारा शरीर खुद के कोशिकाओं पर, हमारा शरीर खुद की कोशिकाओं पर आक्रमण कर देते हैं, हमारा शरीर खुद की कोशिकाओं पर आक्रमण कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, आक्रमण कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, लिख लेंगे, इसे स्व प्रतिरक्षा रोग कहा जाता है। इसे स्व प्रतिरक्षा रोग कहा जाता है, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, इट इज मेमोरी बेस्ड, इट इज मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड, इट इज मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हो गया। हिंदी लिख लीजिए इसका, इट इज मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब हुआ यह स्मृति पर आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा है, लिख लेंगे, यह स्मृति पर आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा है, हो गया, यह स्मृति पर आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा है। चलिए अब इसका नाम लिख लेंगे, एनसीईआरटी में जो डिजीज का नाम दिया हुआ है, रिमेटोइड अर्थराइटिस, अगर आपसे पूछे जाए ऑटो इम्यून डिजीज का नाम बताएं, ऑटो इम्यून डिजीज का नाम बताना है, स्व प्रतिरक्षी रोग का नाम क्या हो जाएगा जी, स्व प्रतिरक्षी रोग, रिमेटोइड अर्थराइटिस, रिमेटोइड अर्थराइटिस, स्व प्रतिरक्षी रोग का नाम क्या है, रिमेटोइड अर्थराइटिस, रिमेटोइड लिख लेंगे हिंदी में, रिमेटोइड अर्थराइटिस, हो गया। चलिए हो जाएगा, लिख लिए रिमेटोइड आर्थराइटिस, बस ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इसमें आपको घबराना नहीं है, ऑटो इम्यून डिजीज जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग, छोटा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन जो है बार बार आते रहता है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज यानी स्व प्रतिरक्षी रोग क्या होता है,
तो सम टाइम यानी कि कभी कभी या कुछ समय में आवर बॉडी अटैक्स ऑन सेल्फ सेल, किन कारणों से, बाई जेनेटिकली और एनी अदर अननोन रीजन, यानी किसी अन्य अलग अलग अननोन कारणों से ये उत्पन्न हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर अनुवांशिक कारणों से हो सकता है। तो जब कभी कभी अनुवांशिक कारणों से या किसी अनजान कारणों से हमारा शरीर खुद के कोशिकाओं पर जब आक्रमण कर देते हैं जिससे हमारे शरीर नष्ट हो जाते हैं, तो इस रोग को ऑटो इम्यून डिजीज यानी स्व प्रतिरक्षा रोग कहा जाता है। स्व प्रतिरक्षा रोग क्या होता है? इट इज मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि यह स्मृति पर आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा होता है। इसमें जैसे कि फीवर हो जाता है, शरीर पे रेसेस पड़ जाते हैं, चकते पड़ जाते हैं, दाने दाने हो जाएंगे, सफेद दाग जैसा हो जाता है, इसका सिम्टम्स। अच्छा, ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज का नाम है रिमेटोइड अर्थराइटिस, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, यहाँ तक वीडियो को देख लेंगे, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, ये आपका एलर्जी और ऑटो इम्यूनिटी कम्प्लीट हो गया है। इसके आगे जो है हम लोग को इम्यून सिस्टम इन द बॉडी पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को